हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज की इस नई वीडियो में। रोजाना की तरह हम फिर से आप सभी लोगों के लिए एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद जरूरी और काम की खबरों को लेकर आ चुके हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इन बड़ी खबरों को। और पहली बड़ी अपडेट जो सामने आ रही है वो इस समय ऐसे सभी स्टूडेंट्स को लेकर आ रही है जो इस समय भारत में हैं और दूसरे देशों में ट्रैवल करने वाले हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर भारत सरकार की तरफ से जानकारी शेयर की गई है कि दुनिया के कई सारे देशों की तरफ से अब भारतीय पैसेंजर्स को ट्रैवल करने की अनुमति मिल चुकी है। बात करें यहाँ पर कौन कौन से देश हैं इस लिस्ट में, तो यहाँ पर USA, कनाडा, UK, आयरलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, जॉर्जिया और इसके अलावा और भी कई सारे यूरोप के देश शामिल हैं जहां पर अब भारतीय स्टूडेंट्स ट्रैवल करके जा सकते हैं। आपको बता दें कि ये जो जानकारी है ये खुद भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बी मुरलीधरन की तरफ से दी गई है, जहां पर उन्होंने राज्यसभा में ये जानकारी दी है कि इस समय जो भी स्टूडेंट्स हैं यदि वो दूसरे देशों में ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो दुनिया के कई सारे देशों ने भारतीय स्टूडेंट्स को ट्रैवल करने की अनुमति दे दी है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगली अपडेट यहां पर जर्मनी को लेकर आ चुकी है। आपको बता दें कि जर्मनी की गवर्नमेंट की तरफ से एक नया अपडेट दिया गया है। जो भी लोग इस समय जर्मनी में ट्रैवल करके आना चाहते हैं या तो वो अपने पास कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट दिखा सकते हैं या फिर कुछ ऐसा प्रूफ दिखा पाएं जिससे यह पता लग पाए कि वो कोरोना वायरस से इम्यून हो चुके हैं। आपको बता दें कि जर्मनी की गवर्नमेंट की तरफ से ये नया नियम इस वीकेंड यानी कि सैटरडे से लागू हो जाएगा और जितने भी लोग अब जर्मनी में ट्रैवल करके जाएंगे वो सभी लोग इस नए नियम के तहत ट्रैवल करके जा पाएंगे। फ्रेंड्स अगली अपडेट यहां पर एयर इंडिया से आ चुकी है। आपको बता दें कि एयर इंडिया जो है अब US के लिए अपनी सीधी उड़ानों को डबल कर रही है। जी हां दोस्तों, ये जो लेटेस्ट खबर है ये खुद टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से दी गई है। यहां पर बताया गया है कि 7 अगस्त के बाद अब एयर इंडिया की जितनी भी उड़ानें US के लिए होंगी वो अब डबल हो जाएंगी। यानी कि पहले जो एयर इंडिया एक सप्ताह में केवल 10 फ्लाइटों को ऑपरेट करती थी, अब यहाँ पर एयर इंडिया एक सप्ताह में 21 फ्लाइटों को ऑपरेट करेगी। यानी कि अब ऐसे सभी लोग भी ट्रैवल करके जा पाएंगे जिनको पहले फ्लाइट टिकट नहीं मिल पा रही थी और बहुत सारे लोगों को इस समय US ट्रैवल करने के लिए बाया दूसरी कंट्री के माध्यम से ट्रैवल करना पड़ता था। अब ऐसे सभी लोग अब सीधे एयर इंडिया की फ़्लाइटों से ट्रैवल करके US के लिए जा पाएंगे। आपको बता दें कि इस नए नियम से सबसे ज़्यादा फायदा स्टूडेंट्स लोगों के लिए होने वाला है क्योंकि इस समय US की गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स लोगों के लिए अनुमति दे रखी है और जो लोग भी इस समय US के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं वो सभी लोग अब इन उड़ानों से आसानी से ट्रैवल कर पाएंगे। आपको ये भी बता दें कि एयर इंडिया के अलावा US के लिए यूनाइटेड एयरलाइंस भी अपनी उड़ानों को ऑपरेट करती है और ऐसी खबरें सामने आ रही है कि यूनाइटेड एयरलाइंस कंपनी भी अपनी उड़ानों की संख्या अब भारत से बढ़ाने वाली है। फ्रेंड्स एक और बड़ी खबर यहां पर भारत सरकार की तरफ से आ गई है। आपको बता दें कि एयरलाइंस कंपनियों को इस समय जिस तरीके के लॉसेस हुए हैं उससे निपटने के लिए भारत सरकार ने एक छोटी सी मदद देने का वादा किया है। आपको बता दें कि यहां पर ये जो मदद की राशि है वो 349 करोड़ रुपये है और ये 349 करोड़ रुपये यहाँ पर भारत की जितनी भी बड़ी एयरलाइंस कंपनियाँ हैं, छोटी एयरलाइंस कंपनियाँ हैं, उन सभी एयरलाइंस कंपनियों को एज ए लोन की तरह दिए जाएंगे। आपको बता दें कि ये 349 करोड़ में से 127 करोड़ रुपये अकेले स्पाइसजेट लेने वाली है। इस समय स्पाइसजेट की मौजूदा हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब है जिसको देखते हुए स्पाइसजेट को इस समय इमीडिएट फंड की ज़रूरत है जो कि भारत सरकार की इस छोटी सी मदद से पूरा हो पाएगा। आपको बता दें कि दुनिया के दूसरे देशों ने अपनी एयरलाइंस कंपनियों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए करोड़ों की मदद करी है, उसके आगे भारत सरकार की मदद काफ़ी छोटी है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहां पर सऊदी अरेबिया से आ चुकी है। आपको बता दें कि सऊदी अरेबिया और भारत के बीच में इस समय सीधी उड़ानें ऑपरेट नहीं हो पा रही है, लेकिन आपको बता दें कि उड़ानें चालू नहीं होने के बावजूद भी इस समय भारत के लगभग सभी बड़े नेता इस समय सऊदी अरब के लगभग सभी बड़े मिनिस्टर से मुलाकात कर रहे हैं। बीते कल भी यहां पर भारत के एम्बेसडर डॉक्टर आसिफ सईद ने सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात करी है। हालांकि इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है कि इस मुलाकात में किन किन मुद्दों के ऊपर बात हुई है, लेकिन जैसा यहां पर मीडिया सूत्रों से जानकारी मिल पा रही है इस मीटिंग में अवश्य ही दोनों देशों के बीच में उड़ानों को चालू करने के लिए बातचीत की हुई होगी। आपको बता दें कि यह जानकारी खुद यहां पर फॉरेन मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया की तरफ से ट्वीट करके जानकारी दी गई है कि यहाँ पर सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर जिनका नाम खालिद बिन फैजल अल सहेली है, उन्होंने भारत के एम्बेसडर डॉक्टर आसिफ सईद से मुलाकात करी है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट यहां पर भारत और दुबई के बीच में उड़ानों को लेकर आ चुकी है। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच में इस समय उड़ानें बंद होने के कारण इस समय काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं, लेकिन यहां पर सबसे ज़्यादा परेशान आ रही मीडिया सूत्रों से लगातार न्यूज़ को लेकर है।
आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार मीडिया सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि दोनों देशों के बीच में उड़ानें कभी 2 अगस्त तक बंद है, कभी यहाँ पर खबर आ रही है 7 अगस्त तक बंद है। आपको बता दें कि इस तरीके की लगातार न्यूज़ यहाँ पर भारत के कई सारे मीडिया चैनल्स की तरफ से लगातार रिपोर्टिंग करके दी जा रही है। हम यहाँ पर आपको साफ साफ बताना चाहेंगे कि भारत और दुबई के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हैं वो अगस्त महीने के आखिरी सप्ताह तक बंद है। जब तक यहाँ पर UAE की गवर्नमेंट इन उड़ानों को आगे लंबे समय के लिए सस्पेंड नहीं करेगी, तब तक यहाँ पर फिलहाल के लिए ये उड़ानें जो हैं अगस्त महीने के आखिरी सप्ताह तक ही बंद है। उम्मीद है कि यदि यहाँ पर UAE की गवर्नमेंट जो है इन उड़ानों को आगे लंबे समय के लिए सस्पेंड नहीं करेगी तो दोनों देशों के बीच में अवश्य ही फ्लाइटें चालू हो पाएंगी। फ्रेंड, जो भी हो, आपको हमारे चैनल के माध्यम से सही जानकारी मिलती रहेगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलती रहे। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि UAE की गवर्नमेंट ने यहाँ पर अपने ग्रीन लिस्ट वाले कंट्रियों की नई लिस्ट अपडेट कर दी है। इस नई लिस्ट में टोटल 31 देशों को शामिल किया गया है, यानी कि अब 31 देशों के लोग UAE में ट्रैवल करके जा पाएंगे और इन सभी लोगों का UAE में ट्रैवल करने के बाद क्वारंटीन भी नहीं होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगली खबर यहां पर UK को लेकर आ चुकी है। आपको बता दें कि यहां पर UK की गवर्नमेंट ने भी अपने रेड लिस्ट वाले कंट्रियों की लिस्ट को अपडेट किया है, जिसमें अभी भी दुबई का नाम शामिल है। यानी कि दुबई और UK के बीच में अभी भी सीधी उड़ानें चालू नहीं हो पाई हैं और यदि कोई भी पैसेंजर यदि दुबई से UK में ट्रैवल करके जा पाएगा तो उसको वहाँ पर क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। आपको बता दें कि यहाँ पर UK की गवर्नमेंट ने अभी भी भारत को रेड लिस्ट में रखा हुआ है और भारत से यदि कोई भी पैसेंजर्स UK में ट्रैवल करके जाता है तो उसको कंपलसरी 10 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना पड़ता है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर भारत सरकार की तरफ से आ रही है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने यहाँ पर जानकारी दी है कि वो अभी हाल फिलहाल वैक्सीन पासपोर्ट को लेकर नहीं आने वाले हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर भारत सरकार की कोशिशें हैं कि भारत में जितनी भी वैक्सीन बन रही है, जैसे कि कोविशील्ड, कोवैक्सीन, इन सभी वैक्सीन का अप्रूवल दुनिया के सभी देशों से मिल पाए, जिससे कि जो भी इंडियन पैसेंजर्स दूसरे देशों में ट्रैवल करके जा रहे हैं तो उनको वहाँ पर ट्रैवलिंग के दौरान कोई भी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़े। आपको बता दें कि अब तक 17 यूरोपियन देश ऐसे हैं जिन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन का अप्रूवल दे दिया है और यदि कोई भी भारतीय पैसेंजर्स इन 17 देशों में ट्रैवल करके जाएगा तो उसको वहाँ पर क्वारंटीन में नहीं रहना पड़ेगा। इसके साथ साथ गल्फ के सभी देशों ने कोविशील्ड वैक्सीन का अप्रूवल दिया हुआ है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट यहाँ पर आईटा की तरफ से आ रही है। आईटा यानी कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने भारत सरकार से रिक्वेस्ट करी है कि वो इस समय ट्रैवल बैन जो लगा रखा है भारत सरकार ने उसको हटाए और साथ ही साथ फ्लाइटों के ऊपर जो कैपेसिटी लगा रखी है और फेयर कैपिंग लगा रखी है उन सभी कैपिंग को हटाई जाए, जिससे कि भारत की जितनी भी एयरलाइंस कंपनियाँ हैं वो अपनी उड़ानों को आसानी से ऑपरेट कर सके और जितनी प्राइस वो रखना चाहती है उस प्राइस पर अपनी फ्लाइटों को ऑपरेट कर सके। मौजूदा हालात में इस समय भारत की एयरलाइंस कंपनियों की काफ़ी बुरी हालात है, जिसको यहाँ पर संभालने के लिए आईटा ने ये रिक्वेस्ट भारत सरकार से करी है। अभी देखना ही रहता है कि भारत सरकार क्या यहाँ पर आईटा की इस रिक्वेस्ट को स्वीकार करती है या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स, ये थी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान से जुड़ी हुई आज की कुछ बेहद ज़रूरी और काम की अपडेट। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलती रहे।